नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों पर। और सबसे पहले नजर डालते हैं गोंडा की तरफ, जहां हिंदू युवा वाहिनी का चीन विरोधी प्रदर्शन। जी हां, यूपी के गोंडा जिले में चीन के द्वारा किए जा रहे कायराना कार्यों के विरोध प्रदर्शन में LBS चौराहे पर हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष शारदा कांत पांडे के नेतृत्व में चीन के झंडे को जलाया गया और चीन विरोधी नारे भी लगाए गए। हिंदू युवा वाहिनी के सभी पदाधिकारियों ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए मौन रखकर शहीदों के अमर बलिदानों की सराहना करते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने चीनी सामानों का बहिष्कार करने की शपथ ली। आइए देखते हैं कोतवाली देहात से हमारे संवाददाता पवन कुमार की रिपोर्ट। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शारदा कांत पांडे बोलता हूँ और हम लोग आज संकल्प लिए हैं कि हम लोग चाइनीज सामान का इस्तेमाल नहीं करें। और मांग क्या है? मांग ये है कि इन गद्दारों को, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान में, हम अपने सरकार से मांग करते हैं कि उसी तरीके सर्जिकल स्ट्राइक हो तो घर में घुसों को मारा जाए। भाजमय ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जी हां, यूपी के प्रतापगढ़ जिला में भाजमय के सदस्यों द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। हमारे सैनिकों ने पराक्रम दिखाते हुए करीब 40 जवान को मार गिराया, जिसका सबूत है कि चीन के कई हेलीकॉप्टर व अस्पताल के कई वाहन घटनास्थल पर दिखाई दिए। भाजपा जिलाध्यक्ष रवि गुप्ता ने सैनिक कल्याण विभाग कार्यालय पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये सन 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हम सभी भारतवासी को सेना की पराक्रम और शौर्य पर गर्व है। आइए देखते हैं प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता विशाल रावत की रिपोर्ट। प्रवासी मजदूरों की DCM पलटी, 2 की मौत, 9 घायल। जी हां, यूपी के बरेली जिला के फतेहगंज पश्चिमी के टोल प्लाजा के पास DCM का स्टीयरिंग अचानक जाम हो गया, जिसके चलते DCM पलट गई। DCM पलटते ही गाड़ी में बैठे लोगों में हड़कंप मच गया। इस घटना में मौके पर एक किशोर और एक बच्ची की मौत हो गई। साथ ही DCM में सवार महिलाओं के साथ कई पुरुष भी चोटिल हो गए। DCM में सभी मजदूर दिल्ली से अपने परिवार के साथ मजदूरी करने के लिए बाराबंकी जा रहे थे। इसी बीच यह हादसा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया, साथ ही मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आइए देखते हैं बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। रूपचंद सर, रूपचंद कैसे घटना, कहाँ जा रहे थे? दिल्ली से आ रहे थे, बाराबंकी जा रहे थे, और रात में मान लो करीब 2:30 बजे के गाड़ी मान लो पलट गई। ड्राइवर का कहना है कि सर की गाड़ी में रेव चक्का जाम हो चुका था, उसमें गिरने से मान लो सर 10-12 आदमी तो घायल हो चुके हैं और 2 बच्चे ख़त्म हो गए मौके पे, उनकी मौत हो चुकी है। कहाँ जा रहे थे? बाराबंकी। दिल्ली में क्या करते थे? दिल्ली मजदूरी करते सर। तो लॉकडाउन में पहली बार आ रहे थे गंतव्य पे? हाँ, अब तो सर अपनी पहली बार DCM में आ रहे थे, छोटी गाड़ी। काम करते थे या वैसे? नहीं, वैसे मजदूरी करते थे। कितने लोग थे? करीब 12-15 आदमी थे। कोई फैमिली थी? नहीं, फैमिली 2 बच्चे हमारे ही थे, मान लो कुछ भाई के थे। नाम तो सर मुझे नहीं याद है। एक लड़की एक लड़का ख़त्म हुआ। हाँ, 2 बच्चे ही ख़त्म हुए। 2 बच्चे ख़त्म हुए, एक लड़की है करीब 14-15 साल की, लड़का होगा 5-7 साल का बस। महात्मा गांधी मनरेगा योजना के तहत मिला काम। जी हां, यूपी के बस्ती जिले के डाडोरा गांव पंचायत में मनरेगा का कार्य ग्राम प्रधान रवि और कुदराहा ब्लॉक सचिव शैलेंद्र और समाज सेवी धर्मेश अग्निहोत्री, अन्य सहयोगी अशोक निषाद के देखरेख में हो रहा है। बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन में काम मिलने से काफी खुशी मिली और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनरेगा का कार्य कर रहे हैं। आइए देखते हैं डाडोरा से हमारे संवाददाता गोविंद की रिपोर्ट। कोरोना पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। जी हां, यूपी के रायबरेली जिला के उचाहार कोतवाली क्षेत्र के मीरा सवैया से मुंबई से आया एक अधेड़ व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसकी सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग व पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर पूरे गांव को सील कर दिया। चुन्नीलाल मुंबई से 9 तारीख को गाँव आया था, उसने अपना स्कैनिंग करवाया था उसको, और रोग होने के कारण उसने AN त्रिपाठी के हॉस्पिटल में अपना अल्ट्रासाउंड करवाया।
और मौर्य पैथोलॉजी डॉक्टर श्रवण कुमार के यहाँ मलेरिया की जांच भी करवाई और दो दिन की दवा लेकर घर आ गया। फिर 13 जून को प्रयागराज में मनीषा द्विवेदी के हॉस्पिटल गया, वहाँ नॉर्मल जांच हुई तथा वहाँ से स्वरूप हॉस्पिटल भेज दिया गया, वहाँ भी दो दिन की दवा लेकर घर आ गया। अगले दिन रविवार 14 जून को ब्लड सैंपल लिया गया तथा उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने उसे L2 सेंटर शिफ्ट करने का प्रबंध किया। घर में चुन्नीलाल की पत्नी शकुंतला, पुत्र महेश, रूपेश और उनकी पोती प्रिया को भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। आइए देखते हैं रायबरेली से हमारे संवाददाता मोहम्मद उवेश मंसूरी की रिपोर्ट। ये थे अभी कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।